हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में सीखेंगे हम कैसे बीटीएसटी के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, बीटीएसटी के लिए हमको अगर स्टॉक सिलेक्शन करना है, इस तीनों पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट हो गया प्राइस में मोमेंटम होना चाहिए, सेकंड पॉइंट हो गया ये जो मोमेंटम है ना हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, थर्ड पॉइंट हो गया पहला दो पॉइंट को कैप्चर करने के लिए आपके पास एक स्क्रीनर होना चाहिए जो कि आपको चार्टिंग प्रोवाइड करता है। आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इस स्क्रीनर का लिंक दे दूंगा। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का एक स्क्रीनर ओपन हो जाएगा, बस इस स्क्रीनर को आपके बुकमार्क्स में ऐड कर देना है। एंड डिस्क्लेमर है कि इस स्क्रीनर मेरा नहीं है, ये चैटिंग में पब्लिकली अवेलेबल है एंड इस स्क्रीनर को बनाने में मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। जो उसका ओनर है उस फुली क्रेडिट उसके ऊपर जाता है, लेकिन जो स्क्रीनर है बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपको मोमेंटम स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि स्क्रीनर नॉर्मली अनयूजुअल वॉल्यूम को कैप्चर करता है। अगर वहाँ पे आपका कुछ प्राइस एक्शन नॉलेज ऐड कर देंगे तो देखेंगे बहुत ही आसानी से आप बीटीएसटी के लिए 3 PM के बाद स्टॉक को कैरी कर सकते हैं। तो देखते हैं स्क्रीनर कैसे काम करता है। जैसे ही आप स्क्रीनर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन जो है आपके सामने ऐसा ही एक पेज ओपन हो जाएगा एंड जो भी रहेगा उसी डे का डाटा, जैसे कि अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं 15 मिनट डिले में डाटा अपडेट होता है जो कि बीटीएसटी के लिए सफिशिएंट है। आपको ट्रैक करना है 2:45 PM के बाद ना इस स्क्रीनर में कौन सा स्टॉक आ रहा है। अगर इंडेक्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा ना तो यहाँ पे स्क्रीनर में अराउंड 20-30 स्टॉक आ जाएंगे, लेकिन आप तो सारा स्टॉक को बीटीएसटी नहीं कर सकते हैं ना, वहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है एंड वहाँ पे आपका थोड़ा प्राइस एक्शन नॉलेज ऐड करना है। एंड यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे ना डेली टाइम फ्रेम में, आपको ये स्क्रीनर प्रोवाइड कर देगा कौन सा स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ मोमेंटम दे रहा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको स्टॉक को बाय कर लेना है। आपको वहाँ पे चेक करना है थोड़ा प्राइस एक्शन का। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे तिलक नगर इंडस्ट्री का चार्ट स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। प्राइस देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, कंसोलिडेशन के बाद देखिए अभी इनिशियली यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ है एंड हमारा स्क्रीनर में इसलिए आ गया कि क्योंकि यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस यहाँ पे हायर एंड में ले जाकर क्लोजिंग दिया है। आपको हमेशा फोकस करना है कि स्टॉक का प्राइस जब भी डे क्लोज हो रहा होगा ना अपर एंड में जाकर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर रिजेक्शन 30% से ज़्यादा हो जाता है ना वहाँ पे उसी स्टॉक को आप अवॉइड कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस अपर एंड में होना चाहिए एंड हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। देखिए फ्राइडे को यहाँ पे TI में देखिए हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक मारुबज कैंडल बना है, हाई प्रोबेबिलिटी कि मंडे को प्राइस यहाँ पे गैप अप हो सकता है, इसी स्टॉक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया स्टॉक का मूवमेंट इनिशियल स्टेज में होना चाहिए, सेकंड पॉइंट हो गया प्राइस अपर एंड में क्लोजिंग आना चाहिए, थर्ड पॉइंट हो गया हाई वॉल्यूम के साथ एक क्लोजिंग होना चाहिए। और एक स्टॉक दिखाता हूँ जो कि इस स्क्रीनर में अभी शो कर रहा है, ये हो गया बकरंगी लिमिटेड का। देखते हैं क्या अभी हम स्टॉक को फ्राइडे को बाय कर सकते थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, प्राइस देखिए ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। हमारे स्क्रीनर में आया है तो लेने के लिए, लेकिन एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इस स्क्रीनर में आपको 30-40 स्टॉक आ जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टॉक को लेना है। एंड और एक स्टॉक का दिखाता हूँ चार्ट स्ट्रक्चर, कॉर्बर्स बैंक का है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनर में आया है, देखते हैं इस स्टॉक को लेंगे या नहीं लेंगे। एंड अगर इसका चार्ट देखेंगे तो देखिए इस स्टॉक को हम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्यों, देखिए 50% से ज़्यादा रिजेक्शन आ गया है एंड ऑलरेडी प्राइस मूवमेंट दे चुका है, यहाँ पे हमको एंट्री नहीं करना है। हमको वही स्टॉक में एंट्री करना है जहाँ पे कि स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कंसोलिडेशन के बाद ना इनिशियल स्टेज में है, मतलब पहला दिन मूवमेंट दे रहा होगा, नहीं तो सेकेंड डे का मोमेंटम स्टार्ट हो रहा होगा। उससे ज़्यादा अगर मोमेंटम आ गया होगा ना वहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क बहुत ही बड़ा बन जाएगा। इसलिए ये जो स्क्रीनर है ना वो एक शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक प्रोवाइड करता है कि बीटीएसटी के लिए, उसके बाद आपको चूज करना है। तो आप स्क्रीनर को यूज कर सकते हैं आपका स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, लेकिन ट्रेड लेने के लिए ना आपको इस शॉर्ट लिस्ट में ना आपका फेवरेट जो भी 2-3 होगा आपका सेटअप के हिसाब से उसको आप यूज कर सकते हैं। एंड फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि स्क्रीनर बिल्कुल भी मेरा नहीं है, ये पब्लिकली अवेलेबल है चार्ट इंक में,
आप जाकर उसको यूज कर सकते हैं एंड स्किनर आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। आप इसको यूज कीजिएगा। अगर आपका कुछ डाउट है प्राइस एक्शन को लेकर तो वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।